बहुत एक महत्वपूर्ण पल वो है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अच्छे से। वो जो है वो अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और टनल का उद्घाटन हो रहा है। अटल टनल रोहतांग जो अब इस टनल का जो नाम रखा गया है उसका विधिवत उद्घाटन कल होने वाला है। आज रक्षा मंत्री जी सारे इसका जो है वो जायज़ा लेने के लिए आए हैं और आकर के जो है वो सारी चीज़ों की तैयारियों का जायज़ा लेने के पश्चात जो है वो कल प्रधानमंत्री जी के साथ इस टनल के इनॉग्रेशन में हिस्सा लेंगे। लाहौल वैली जो 4 महीने के लिए कट जाती थी और 4 महीने तक आने जाने की वहाँ पर सुविधा जो है वो बंद हो जाती थी लगभग, ऐसी परिस्थिति में अब लाहौल वैली जो है वो टूरिज़्म के लिए भी 12 महीने के लिए खुल गई और उसके साथ साथ में वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खासतौर से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जो जितनी भी सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं उन सब चीज़ों को मार्केट तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस टनल का रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ एक परिस्थितियाँ बनी हैं, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा ये संदेश है। सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से इस टनल के माध्यम से चंबा का, पांगी का इलाका, लाहौल का इलाका समृद्धि की ओर बढ़ेगा।